पटना पुलिस की गिरफ्त में एक ऐसा शख्स आया है जो खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करता था। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 15 साल से वो लोगों से ठगी करता आ रहा है। पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर ठग, पुलिस अधिकारी बन करता था ठगी, सोशल मीडिया पर भी था काफी एक्टिव। पटना एसएसपी मनु महाराज की गिरफ्त में एक ऐसा शख्स आया है जो खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को ठग रहा था, उन्हें डरा धमका रहा था। इस शख्स का नाम है रजनीश राजपूत। रजनीश पिछले 15 साल से लोगों से ठगी कर रहा था, ये सोशल साइट्स पर भी काफी एक्टिव था। महिलाओं से और कई एनजीओ से ठगी करने वाला एक व्यक्ति रजनीश राजपूत, जो अभी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था और कई वरीय पदाधिकारियों का और इन्फ्लुएंशियल लोगों का नाम लेकर ठगी कर रहा था, उनको भी आपके हैंडरेड मरवा देंगे, आपको बदनाम करवा देंगे। ये बताया जा रहा है कि पिछले 10 से 15 साल से ये काम कर रहा है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और यहाँ आके रह रहा है। कई पुलिस अधिकारियों का नाम लेके किसी के साथ अपना सेल्फी खिंचवा के फोटो लेके अपने प्रोफाइल में डाल के और फोटो खाना लोगों को और उनसे पैसा लूटना। अभी हाल में बताया जा रहा है कि एक जो लड़की जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वो अस्पताल में भर्ती है, उसके इलाज के नाम पे भी ये 4-5 लाख रुपया कुछ लोगों से ले चुका है, ठग के कि उसका इलाज हम लोग करवाएं, उसकी जांच हम लोग पूरी करके। वहीं आरोपी रजनीश का कहना है कि वो किसी से ठगी नहीं करता था, उसका मकसद था कि कहीं भी कुछ भी गलत ना हो, इसके लिए वो लोगों को पुलिस से रेड पड़ाने की धमकी देता था। जो गलत, मैंने यही सोचा था कि जो भी गलत हो रहा है और उस गलत को हमें नहीं होने देंगे, मैंने यही माइंड मेकअप कर लिया था। 8 तारीख को साथ मेरे साथ जो हुआ, ठीक है, उसमें सत्या सिंह के मैंने बोल दिया कि जहाँ जहाँ सेक्स लेकर चल रहा है मैं उस पर छापा करवाऊँगा, ठीक है, उस पर वो आग बबूला हो गई क्योंकि वो उसमें संलग्न है। तो आप तो खुद अधिकारी, पुलिस अधिकारी का नाम लेके लोगों से ठगी करते थे? नहीं सर, ऐसा कोई ठगी नहीं है, एक भी ठगी नहीं है सर, मुझे उसका साक्ष्य प्रमाण चाहिए। फिलहाल पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस मामले में और क्या खुलासा करती है। गुना के लिए पटना से नीरज की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।